महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जहां देश विदेश में भगवान शंकर की पूजा के लिए बड़े बड़े समागमों का आयोजन किया गया, वहीं किशनपुरा के कालिका धाम ज्योतिष में भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव के विवाह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जंगमों ने बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान शिव के विवाह के प्रसंग का वर्णन किया। इस अवसर पर कालिका धाम ज्योतिष के संचालक आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ ने कहा कि ऐसे समागम समाज को धर्म से जोड़ते हैं व धर्म की रक्षा के लिए ऐसे समागमों का आयोजन निरंतर होता रहना चाहिए। मोहल्लावासियों ने भी इस अवसर पर बढ़ चढ़कर भाग लिया। कालिका धाम ज्योतिष द्वारा भगवान शिव के इस पावन त्यौहार पर लंगर का आयोजन भी किया गया। दूसरी बात, आपको सभी को महाशिवरात्रि की ढेर शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान शंकर ऐसे ही आप लोगों का प्यार प्रेम भाईचारा बनाए रखे, यही शुभकामनाएं देता हूँ, ताकि हर साल किसी पवित्र पावन स्थान के ऊपर आप किसी धर्म का अनुष्ठान करवाते हो, कोई कथा कीर्तन करवाते हो, उसका फल दुर्गा मिलता है। आज इस पवित्र काली का धाम के अंदर जहाँ साक्षात माँ भद्रकाली माँ काली विराजमान है, उस पवित्र पावन स्थान के ऊपर महाशिवरात्रि के दिन आप कथा सुन रहे हो, आपका बड़ा सौभाग्य है। एक बार फिर सारी संगत को मैं बहुत सी बधाई देता हूँ। देवी भक्तों, पार्वती के कुल टोटल 108 साल में शादी तो सभी करवाते हैं, बड़ी किस्मत वाले होते मेरा सिंह तो महादेव है, महादेव, देव का देव महादेव, कालों का काल महाकाल, नाथों का। पंडित जी कहती है, पार्वती कहती है, पंडित जी नहीं बोल रहे, पंडित जी आप मुझे बताइए कैसी मेरी सांस है, एक बार जोरदार ताली बजाओ पार्वती के लिए, जोरदार, बहुत जोर से बताओ, ये ताली बता रहा हूँ जी क्यों बजवाई है, ये सास सूर के जब नाम है ना मुस्कुराई है, नहीं तो जितने भी सेवा दर्जा करता हूँ जब तो सास का नाम आया तब खड़ी हो जाती है, क्यों मैं सास नहीं अच्छी लगती, अरे जिस घर में सास ससुर की कदर है वहाँ परमात्मा बसते हैं। जहाँ बुजुर्ग कहाँ गए थे, हरिद्वार, कहाँ स्नान करके आए हो, कहाँ स्नान करके आए, और हे बेटी, हे बेटी, मैं स्नान के लिए नहीं गया, मैं नहीं स्नान करके गया, आज सुबह नहाया था, हाँ देखो जी कहना सुबह नहाया था, इसने देखा आपको नहाते हुए, फिर अधिकता मांगिए, पंडित जी पार्वती कहती है, पंडित जी जी राम राम जी, पंडित जी राम राम जी, हाँ बोलो राजी रहो पुत्री, राजी रहो पुत्री, आशीर्वाद तेरा पापा देगा, आशीर्वाद दे, जय जय, राजी रहो पुत्री, पत्री नहीं पुत्री, राजी रहो पुत्री, हाँ बोलो पंडित जी, बाबूजी 50 रुपये माता पार्वती की देन कराते हैं, अब वो पार्वती ऐसे बेटा ऐसे चक्कर लगा के आओ, छोटी सी लाडो पार्वती बोले की पूजा करती है, छोटी सी लाडो पार्वती बोले की पूजा करती है, गंगा यमुना जाती
पहले तो फ्लैश लग जाती थी, पता चल जाना फोटो हो गया, आजकल पता नहीं चलता। हाँ सागर, जय कारा वीर भद्रंगे, हरे हरे महादेव। जो पार्वती देश विदेश की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वीकेंड रिपोर्ट को और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।